हेलो एवरीवन वन इन टूडेस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस्ड अबाउट दी अप्रोचेज ऑफ द करिकुलम विच इज़ अ पार्ट ऑफ यूनिट टू यहाँ पर अप्रोचेज और इन करिकुलम में हमने सिर्फ तीन तरह की अप्रोचेज़ करनी है जो हमारे सिलेबस में मेंशन है दैट इज़ सब्जेक्ट सेंटर्ड लर्नर सेंटर्ड और कम्युनिटी या सोसाइटी सेंटर्ड तो सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ अप्रोचेज ऑफ करिकुलम पे इंट्रोडक्शन डिस्कस करते हैं द एजुकेशन हैज़ टू बी सेट ऑन राइट लाइन सो दैट द लर्नर्स आर प्रॉपरली बेनिफिटेड आउट ऑफ इट द लर्नर्स डिफर फ्राम वन एंड अदर एंड इन एनी रिस्पेक्ट एंड एग्जैक्टली द सेम करिकुलम फॉर एवरी वन विल नॉट सूट तो यहाँ पर वो क्या बोल रहा है कि एजुकेशन सिस्टम को एक राइट right ट्रैक पर रखने के लिए हमें लर्नर्स को हम जिन स्टूडेंट्स uh, को प्रॉपरली बेनिफिट हो ऐसा करिकुलम डिज़ाइन करने के लिए हमने डिफरेंट तरह की अप्रोचेस यूज़ की हैं और हर तरह की अप्रोच हर स्टूडेंट पर एप्लीकेबल नहीं हो सकती तो हमारे पास फॉलोइंग टाइप्स ऑफ करिकुलम अप्रोचेस हैं दैट इज़ फर्स्ट इज़ सब्जेक्ट सेंटर्ड सेकेंड इज एक्सपीरियंस सेंटर्ड थर्ड इज़ बैलेंस करिकुलम fourth is activity centered fifth is community centered or society centered and sixth is the learner centered out of these six we have to do only three which are mentioned in our syllabus firstly we discuss subject centered curriculum सबसे पहले है हमारे पास सब्जेक्ट सेंटर द सब्जेक्ट सेंटरनेस इज़ द ट्रेडिशनल अप्रोच टू द करिकुलम द सब्जेक्ट करिकुलम इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंटेंट ऑफ़ एजुकेशन इनटू सब्जेक्ट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन तो बेसिकली सब्जेक्ट सेंटरनेस क्या है कि यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन आपका करिकुलम डिजाइन कर रही है उसका फोकस सिर्फ आपको कोर करिकुलम सिखाने में है उसका फोकस आपको साइमल्टेनियसली uh, किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करने का नहीं ज़्यादा से ज़्यादा आपको सब्जेक्टिव नॉलेज प्रोवाइड करने का है तो दैट्स वाई वी कॉल इट एज सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच इन सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम नॉलेज इज डिवाइडेड इन टू आइसोलेटेड सब्जेक्ट एग्जैक्ट स्कोप ऑफ ई सब्जेक्ट इज स्ट्रिक्टली डिफाइंड यहां पर आपको एक स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्टिकुला दिया जाएगा जिसमें जैसे आपको क्लास सिक्स को टीच करना है तो आपको सिलेबस प्रॉपर सब्जेक्ट वाइज दे दिया जाएगा और उसके बियॉन्ड आपको अलाउ नहीं होगा कि आप कुछ भी सीखा सको द दे कैन नॉट गो अवे फ्रॉम द बाउंड्रीज ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑलरेडी मार्क्ड बाय द अथॉरिटीज तो आपके पास इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी कि आप उस करिकुलर से बियॉन्ड जाकर अपनी बाउंड्रीज uh, से बियॉन्ड जाकर कुछ भी नया सिखा सको द एनी डेविएशन फ्रॉम दैट इज नॉट अलाउड हाउ एवर बेनिफिशियल इट माइट बी इन दिस इन दिस टाइप ऑफ करिकुलम द टीचर और टेक्स्ट बुक इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन पीपल यहाँ पर बच्चे की मेंटल एबिलिटी का ध्यान नहीं रखा जाता सिर्फ टीचर या टेक्स्ट मटेरियल्स आपको उस पर्टिकुलर क्लास में कितने प्रोवाइड किए जाएंगे कैसा कि स्टडी मटेरियल होगा सिर्फ उसी पर फोकस किया जाता है तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी डेफिनेशन है आप इनमें से किसी भी साइकोलॉजिस्ट की डेफिनेशन एज अ रेफरेंस यूज़ कर सकते हो इन दिस प्लान द एक्सपीरियंस ऑफ स्टडिंग ऑर्गेनाइज बॉडीज ऑफ नॉलेज इज़ द प्रिंसिपल मैथड टू अटेन द एम ऑफ एजुकेशन यहाँ पर सोल एम क्या डिसाइड किया गया है टू इम्पार्ट द एजुकेशन ओनली द नॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ फैक्ट्स डेट डिस्क्रिप्शन एक्सप्लेशन जर्रलाइजेशन प्रिंसिपल और कॉन्सेप्ट इज ऑर्गेनाइज एंड रीऑर्गेनाइजिंग टू बॉडीज़ ऑफ सब्जेक्ट मैटर सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ पर ध्यान दिया जा रहा है आपको ज़्यादा से ज़्यादा फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन देने के लिए डेट्स या एक्सप्लानीशन जर्नलाइजेशन दलरेडी रेटन प्रिंसिपल्स के बारे में उन्हें बताने के लिए सिर्फ आपको इस करिकुला को डिज़ाइन किया जाता है करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं इसके सब्जेक्ट सेंटर्ड या मेरिट्स जिसे आप बोलते हैं कि हमें इसके बेनिफिट्स क्या हैं सबसे पहले है सिस्टेमेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्सेप्ट आपके पास जो आपको कॉन्सेप्ट दिया गया है या सिलेबस इतना रिजिड बनाया जाता है कि आपको एक सिस्टमैटिक मैनर पकड़ में वो इंफॉर्मेशन या कन्सेप्ट या इफेक्ट पकड़ा दिए जाते हैं सिंपल ऑर्गेनाइजेशन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम इज सिंपल विच कैन बी अंडरस्टूड ईजिली बाय द लर्नर्स क्योंकि यहाँ हमारा फोकस आपकी सिर्फ एकेडमिक्स को सेट करने में है तो इसलिए ये कंपैरेटिवली सिंपली ऑर्गेनाइज्ड है कि आपने सिक्सथ में अगर फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन सीखी है तो सेवन्थ में उसे अलाइन किया जाएगा कि व्हाट काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व टू प्रोसीड दिस काइंड ऑफ रिएक्शन सो डिलमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ यहाँ पर सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम इज़ हेल्पफुल इन इंटेलेक्चुअल डिवेल्पमेंट ऑफ द टू लर्नर स्टडी ऑफ बॉडीज ऑफ सब्जेक्ट मैटर इंफोसिस ऑन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज बेस्ट डिवेल्प द इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज हैंस अनेबल दैम टू डील विद द लाइफ सिचुएशंस इन मोर इफेक्टिव मैनर सब उसके बाद हमारे पास अगली मेरिट क्या है सपोर्ट ऑफ टेक्सट बुक्स यहाँ पर आपके पास टेक्सट बुक्स आपका बिगेस्ट सपोर्ट है सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच में यहाँ पर आपको ग्राउंड कवरिंग ऑफ ग्राउंड इन अ टेक्सट बुक एंड मास्टरी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर

सिस्टमैटिक टीचिंग एंड इफेक्टिव लर्निंग यहाँ पर ऑल द एक्टिविटीज़ आर फॉर द स्टूडेंट इन स्कूल आर डिटर्मिंग एंड ऑर्गेनाइज अपॉन सब्जेक्ट सेंटर्ड बेसिस यहाँ पर आपको कुछ भी सिखाया जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ आपके कोर करिकूला को स्ट्रॉग करने के लिए सिखाया जा रहा है जैसे सपोज यहाँ वेरियस लैंग्वेज क्विज ऑर्गेनाइज हो जाते हैं या फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन या इंपॉर्टेंट डेट्स के रिलेटेड क्विज ऐड हो जाते हैं तो ज़्यादा फोकस आपको क्या प्रोवाइड करने में है कोर करिकुलम में स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने में है मिनिमाइज वेस्टेज सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम मिनिमाइज वेस्टेज ऑन पार्ट ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स स्टूडेंट गेट नॉलेज ऑफ कम्युनिटी रेस मैन इन कंसाइज मैनर उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास फैसिलिटेट एवेल्यूशन फॉम फ्रॉम एवेलुएशन पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ ईजी इट फैसिलिटेट एग्जामिनेशन एंड टेस्टिंग तो हमारे पास ये हमारी एवेल्यूएशन को फैसिलिटेट करता है फैसिलिटेट मतलब इंक्रीज करता है करिकुलम प्लानिंग टीचिंग एंड एवेल्युएशन आर फैसिलिटेटेड एंड मोर रियली कैरिड आउट इन द सब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेश नेक्स्ट है आपके पास रिलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट मैटर में जो आपको करिकुलम में पकड़ाया जाता है वो एजेंडा पहले से ही उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है प्रीडिटर्मिन होता है डिफाइंड होता है और स्पेसिफिक होता है बोथ टीचर एंड स्टूडेंट्स नो देयर टास्क रिस्पेक्टिवली कलैरिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर हेल्प्स इन रिलेशन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स तो जब भी आपका कोर सब्जेक्ट सेंटर्ड में अप्रोच में हम क्या करते हैं कि जो सिलेबस पकड़ाया गया है उसके बारे में पहले से ही टीचर और स्टूडेंट्स को पता होता है तो उसी हिसाब से हमारी लर्निंग अप्रोच हो जाती है शॉर्टकमिंग्स या ड्रॉबैक्स क्या हैं इस करिकुलर की बुकिश एंड मकैनिकल सबसे ज़्यादा क्योंकि हमारा फोकस किस पे है सिर्फ बुक्स पर बुक की नॉलेज पर है रियल लाइफ एक्सपीरियंस परसिस पर नहीं दैट्स वाई इट इज़ सम टाइम फील एज बुकिश नैरो कंसीव्ड इट इज़ अ नैरो एंड लिमिटेड फॉर एज इम्पार्टिंग ऑफ नॉलेज इज कंसर्न ट्रेडिशनल सब्जेक्ट मैटर आर मियर अकेडमिक इंटरेस्ट हैज द करिकुलम only knowledge term items are involved skill application or appreciation वगैरह पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता यानी कि आप simultaneously subject centered curriculum में life experience learn नहीं कर पाते क्योंकि आपको सारा time focus या force किया जाता है to read out the books अन साइकोलॉजिकल दिस टाइप ऑफ करिकुलर डज नॉट गिव ड्यू रेकोगनाइजेशन टू द इंडिविजुअल डिफरेंसिस दैट एगजिस्ट बिटवीन एवरी इंडिविजुअल इज नॉट इन अकॉर्डिंग विद द एबिलिटी एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट यहाँ पर आपको एक सिलेबस पकड़ाया गया है लेकिन हमें पता है कि हमारी क्लास में डिफरेंट काइंड ऑफ स्टूडेंट्स है डिफरेंट मेंटल एबिलिटीज उनकी क्रिएटिविटी लेवल और लेवल अलग हैं तो हर एक की ज़रूरत का ख्याल नहीं रखा जाता सिर्फ एक सलेबस रेडी कर दिया जाता है जिस वजह से दो इंडिविजुअल्स की लर्निंग पार में डिफरेंस होता है निगलैक्ट मॉरल एजुकेशन यहाँ पर कोई भी मॉरल वैल्यूज़ लाइक सिंपथी पेशेंस टॉलरेंस ऐसा कुछ भी लर्नर को नहीं सिखाया जाता लैक ऑफ मॉरल एजुकेशन रिजल्ट इन द क्राइसिस ऑफ करैक्टर बिल्डिंग और इनडिसिप्लिन अमंग स्टूडेंट क्योंकि हमारा जो मोटिव है इन ऑर्डर टू अचीव मोर एंड मोर मार्क्स इन ऑर्डर टू पास द एग्जामिनेशन तो इस वजह से कहीं ना कहीं बच्चों में मॉरल वैल्यूज़ का डेफ़िशेंसी हो जाती तो यहाँ पर फॉर्मल स्कूलिंग यहाँ पर सिर्फ इनफॉर्मल एजुकेशन के लिए कोई ज़रूरत नहीं है फॉर्मल एजुकेशन का एजेंडा को ही प्रमोट किया जाता है इम्फिसाइजिज़ ऑन मेमोरी क्योंकि हमें पता है कि कुछ बच्चों की मेमोरी बहुत शार्प होती है दे देव टेडेंसी टू रोड टैनी कंसेप्ट तो उस वजह से एग्ज़ाम में वो बच्चे सुपीरियर आ जाते हैं और एज़ कंपेयर टू किन कई बच्चों की नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू लर्निंग क्रैमिंग बार तो इस वजह से वो एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते ड्यू टू दिस काइंड ऑफ करिकुलम निगलैक्ट कल्चरल हैरीटेज यहाँ पर कल्चर और स्परिचुअल हैरीटेज इज इम्पॉर्टेंट फॉर यंग लर्नर बट करिकुलम इग्नोर दम एजुकेशन रिसिव्ड बाय द लर्नर दिस मे नॉट बी एजुकेशन इन अ रियल सेंस ऑफ द वर्ल्ड क्योंकि जो एजुकेशन हमें इम्पार्ट की जा रही है वो हमें रियल लाइफ एक्सपीरियंसिस प्रोवाइड नहीं कर रही कहीं ना कहीं हम अपने कल्चरल रूट्स को डिनाई कर रहे हैं नेक्स्ट इज़ द नो कोऑर्डिनेशन विद द फॉर्मल इनफॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन जैसे हम जब स्कूल में इस करिकुलर को इंट्रोड्यूस किया जाता है तो उस टाइम हमारी इनफॉर्मल एजेंसीज़ के साथ कोई भी कोऑर्डिनेशन मैटर ही नहीं करती जैसे होम प्रेस रेडियो टेलीविजन ऐसे किसी भी सो, सोशल सोसाइटी में प्रिवेलिंग इनफॉर्मल एजेंसीज़ के साथ कोई लिंक नहीं होता unprogressive the existing curriculum is considered as unprogressive it does not keep pace with the recent scientific or technological advancement क्योंकि अगर हम खुद को dynamic nature में नहीं रखते तो कहीं ना कहीं हमारा जो subject सेंटर्ड करिकुला है वो अन प्रोग्रेसिव कंसिडर होता है क्योंकि एज वी नो दैट दिस इज़ द एरा ऑफ टेक्नोलॉजी तो यहाँ पर आप टेक्नोलॉजी से मिलने वाले फ़ायदों को इग्नोर नहीं कर सकते तो वो सारे उस करिकुलम में मैंशन नहीं होते इनफ यूनिफॉर्म एंड रिजिड तो ये हमने पहले डिस्कस कर लिया था कि यहाँ पर आपको एक सलेबस पकड़ा दिया गया है और टीचर यहाँ स्टूडेंट को अलाउ नहीं है उससे एक भी इंच बियंड होने के यानी कि आप कुछ भी नया नहीं सीख सकते क्योंकि आपके करिकुलम में वो मेंशन नहीं है तो कहीं ना कहीं दिस मेक्स दिस करिकुलर रिजिट देर इज़ नो प्रोविज़न फ़ार डवर्सिफ़िकेशन ऑफ़ द कोर्सेज़ और एक्टिविटीज़ क्योंकि करिकुलम में पहले से ही सिलेबस डिसाइड हो गया है तो वहाँ पर डायवर्सिफिकेशन यानी कि मॉडिफ़िकेशन का कोई चांस नहीं है ना ही हमारे पास ये वाली एक्टिविटीज़ लाइक गेम्स स्पोर्ट्स क्राफ्ट्स हॉबीज़ ये ऑलमोस्ट निगलेक्टेड कर दी जाती हैं सो दिस मेक्स दिस करिकुलर लिटल बर्ड्स स्टिक इन नेचर तो uh, a report of secondary education commission says about subject-centered curriculum, it is out of the tone with the life and fails to prepare students for life. it does not give them a real understanding or insight into the world outside the school. फॉर इंस्टेंस अगर आप सपोज कर रहे हो कि आपका आ, कोई स्टूडेंट आर्ट्स में अच्छा है लेकिन करिकुलम ब्रिजिड कर दिया गया है सिर्फ सब्जेक्टिव नॉलेज के लिए तो ऐसे में कहीं ना कहीं हम अपने रियल टैलेंट को लूज़ कर रहे हैं तो ये हमारा सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इस सब्जेक्टिव सेंटर्ड करिकुला का जो हमारे स्टूडेंट्स को एक फ्लेक्सिबिलिटी नहीं प्रोवाइड कर पा रहा टू गेट द नॉलेज Thank you so much. This is all about subject centered curriculum. Thanks for watching.